हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 18th of June 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर जहां पे इस हफ्ते में लगातार गिरावट दिख रहा था, वही आज के दिन पे अगर बात करें तो दो तीन अदानी ग्रुप के शेयर के अंदर हमें बाउंस बैक करता हुआ भी नज़र आया। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी आया है अदानी ग्रुप की तरफ से, तो वो सारे न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे, साथ साथ आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा हफ्ते अदानी ग्रुप के हर एक शेयर के अंदर लगातार गिरावट के बाद आज की डेट पे फाइनली अदानी ग्रुप के दो शेयर्स, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट, ये दोनों शेयर्स के अंदर आज बम्पर तेज़ी देखने को मिला। भले ही आज बाकी जो चार शेयर है उसके अंदर भी आज कंसिस्टेंटली गिरावट जारी था, बट अभी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यानी अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर जितना घबराया हुआ था, अभी धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रहा है। तो उसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ चुका है। चलिए एक एक करके हम न्यूज़ को कवर करेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअली हर एक अदानी शेयर्स के ऊपर आपको राय देंगे, आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला न्यूज़, लगातार ये पूरा हफ्ते अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरने के बाद जो गौतम अदानी, इनका जो ओनर्स है, चेयरमैन है, गौतम अदानी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ किया ये पर्टिकुलर वीक में। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज़ है। देख सकते हो दोस्तों, ये न्यूज़ है आज की डेट पे 18th of June 2021। ठीक, ये थोड़ा सा लेट नाइट कल अपडेट हुआ था, तो न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, COVID-19 इम्पैक्ट, अदानी ग्रुप आस्क AAI फॉर मोर टाइम ऑन एयरपोर्ट टेक ओवर। AAI क्या है? AAI है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम नीचे चलकर और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अदानी ग्रुप का जो पोर्ट कंपनी है, तो उसके जरिए हमारे यहाँ पे जो पोर्ट्स है उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। और कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज़ आया था, आपको याद होगा कि अदानी ग्रुप में टोटल ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया है, जैसे कि जयपुर का, गुवाहाटी का एंड त्रिवेंद्रम का। तो ये तो दिसंबर की बात है, एक्वायर कर लिया। फिलहाल अभी और भी एयरपोर्ट को यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक्वायर करना चाहता है, बट अभी COVID-19 के इम्पैक्ट के कारण तो यहाँ पे जो इंडियन एयर, जो AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके तरफ पास यहाँ पे अदानी ने और 6 महीने का पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अभी इम्पैक्ट की जो COVID-19 की इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके कारण ये और 6 महीने वेट करने की या पोस्टपोन करने की यहाँ पे राय दिया है। या इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दोस्तों, अदानी पोर्ट ने अभी और भी ज़्यादा यहाँ पे एयरपोर्ट्स को एक्वायर करने वाला है आगे फ्यूचर में, जिसका सीधा सीधा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अदानी पोर्ट की शेयर में। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली अदानी पोर्ट के शेयर होल्डर के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा अदानी एंटरप्राइज की आज भागने के पीछे क्या रीज़न है, मैं कल की डेट की वीडियो में शेयर किया था कि अदानी ग्रुप ने अभी ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले चुका है, जो कि अदानी एंटरप्राइज का ही हिस्सा रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक न्यूज़ आया है, देखिए, वाई अदानी ग्रुप कंपनीज हैव लिटिल एनालिस्ट कवरेज। दोस्तों, आपको याद होगा जिस दिन मैं अदानी पावर एंड टाटा पावर के साथ कंपेयर कर रहा था, तब मैं आपको दिखाया था क्लियर कट TickerTap.in के ऊपर, जहाँ पे बड़े बड़े मशहूर एनालिस्ट ब्रोकरेज कंपनीज ने अपना अपना राय देता है बाइंग का या सेलिंग का। तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कट दिखाया था कि अदानी पावर के ऊपर कोई भी एनालिस्ट यहाँ पे राय नहीं दिया था बाइंग का, और उसके साथ साथ टाटा पावर के ऊपर लगभग 70% के ऊपर एनालिस्ट राय दिया था। तो यहाँ पे एनालिस्ट का जो मानना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, सिर्फ और सिर्फ एनालिस्ट ने अदानी पोर्ट को ही यहाँ पे रिकमेंड किया। देखिए, जहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी इतना शानदार कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करता है, बट देखिए जीरो कवरेज, कोई भी एनालिस्ट इसके ऊपर कवर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप का एक ही कंपनी है, देखिए द ओनली एक्सेप्शन अदानी पोर्ट, जिसके ऊपर मेरा बार बार आपको राय चल रहा था। आपको याद होगा अगर आपने लास्ट कुछ वीडियो देखा था मेरा, कि अदानी पोर्ट, मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अदानी ग्रुप के जो 6 शेयर मार्केट के ऊपर लिस्ट है उनमें अदानी पोर्ट का ही जो मूवमेंट है वो मुझे नॉर्मल मूवमेंट लगा, बाकी जो 5 शेयर था, चाहे अदानी ग्रीन हो, चाहे अदानी ट्रांसमिशन, तो छोड़ ही दीजिए एंटरप्राइज, ये सारे में बहुत ज़्यादा इलॉजिकल मूवमेंट या इलॉजिकल गेनिंग मुझे लग रहा था।
तो जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनालिस्ट है उन्होंने यहाँ पे अदानी पोर्ट के ऊपर ही कवरेज किया। कितने एनालिस्ट? टोटल 24 के ऊपर, मतलब 24 टोटल 24 यहाँ पे एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज कंपनीज ने यहाँ पे अदानी पोर्ट के ऊपर एनालिस्ट किया एंड कवरेज किया सिर्फ एक ही शेयर के ऊपर। जिसके कारण मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अदानी पोर्ट जिस पोजिशन पर आज मतलब कल की डेट पे था वहाँ से बाउंस बैक करने का चांस बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। सबसे पहले आज यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी पोर्ट की शेयर में करीबन हमें 7% के ऊपर तेज़ी देखने को मिला था। आज तेज़ी के बाद जो RSI इंडेक्स का नंबर निकल के आ रहा है 37.58 का, जो कि कल की डेट पे दोस्तों आपको याद होगा मैं आपको क्लियर कट कहा था कि अदानी पोर्ट के अंदर अभी और कोई गिरावट की चांस नहीं है। चाहे तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कल की जो गिरावट यानी थर्सडे की गिरावट के बाद अदानी पोर्ट का जो शेयर का RSI इंडेक्स वो 30 के नीचे चला गया था। और एक बेसिक रूल है शेयर मार्केट में कि कोई भी शेयर कितने भी ख़राब क्यों ना हो, कितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या कितने भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कोई भी शेयर हमेशा के लिए ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन पे नहीं रह सकता। और 30 के नीचे अगर RSI चला जाता है कोई भी शेयर का, उसे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है। जिसके कारण हमें अदानी पोर्ट के अंदर आज की डेट में इतना शानदार जम देखने को मिला था। और उसके साथ साथ ये जो एयरपोर्ट एक्वायरिंग वाला न्यूज़ भी बाहर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट ये एकमात्र शेयर है अदानी ग्रुप के अंदर जिसके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल गेनिंग लगा, ठीक है, मतलब शेयर में कोई इलॉजिकल गेनिंग देखने को नहीं मिला था। तो अगर आप अदानी पोर्ट के शेयर होल्डर हैं, मैं तो आपको बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। दूसरी बात, अभी कोई भी शेयर अदानी ग्रुप के, चाहे अदानी पोर्ट हो या कोई भी शेयर के अंदर, आपको फ्रेश पोजिशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अभी पूरा अदानी ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है, जिसके कारण अभी देखिए हो सकता है कि टेम्पोरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे जंप लगा दिया या ओवरसोल्ड जोन में चला गया तो जंप लगा दी, बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम से रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर है, अभी आप अदानी पोर्ट को छोड़ के बाकी जो 5 शेयर है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपने प्रॉफिट में है ऑलरेडी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज के ऊपर। अदानी एंटरप्राइज आज की डेट पर अगर बात करें RSI इंडेक्स जो कि निकल के आ रहा है 54, यानी नॉर्मल जोन पर चल रहा है। आज अदानी एंटरप्राइज तेजी होने के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे मैं ऑलरेडी कल की डेट में वीडियो बना चुका था कि सीमेंट सेक्टर में एंट्री ले चुका है अदानी एंटरप्राइज ने, जिसके कारण लगभग यहाँ पे 1000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो इस कारण हमें अदानी एंटरप्राइज के अंदर आज की डेट पर करीबन 8% के ऊपर तेजी देखने को मिला था। सुबह शेयर प्राइस थोड़ा सा गिर गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 1300 के नीचे आ गया था, उसके बाद एंडिंग आज दिया है 8% ऊपर जंप लगा के। ये जो रेड कलर वाला लाइन आपने देख रहे हो ये है 20 डेज का EMA, तो इसके ऊपर ही आज क्लोजिंग दिया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अदानी ग्रीन, जिसके ऊपर आज की डेट पे भी हमें लगातार 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला था। फिलहाल आज की डेट पे अगर हम बात करें आज गिरावट के बाद अदानी ग्रीन के शेयर के अंदर करीबन हमारे यहाँ पे 30 के नीचे RSI आ चुका है, यानी ओवरसोल्ड जोन पे क्रॉस कर चुका है। तो मेरे ख्याल से अदानी ग्रीन के अंदर अभी कोई बहुत बड़ा गिरावट का चांस नहीं है। शेयर अगर 1000 के आसपास आया तो वहाँ से मेरे ख्याल से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब शेयर प्राइस यहाँ पे 1000 के आसपास बार बार सपोर्ट मिल रहा था, वही शेयर प्राइस आज की डेट पे अगर बात करें तो 1067 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया। हो सकता है कि मंडे बाजार ओपन होने के बाद छोटा मोटा गिरावट के बाद एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अदानी जो ग्रुप है उसके शेयर के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है, अभी बस रिकवर की टाइम है। फिलहाल अभी कोई भी शेयर आप खरीदना मत, बस बार बार मैं एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ। देखिए उसके बाद अदानी पावर, लगातार ये पूरा हफ्ते इसके अंदर हमें कंसिस्टेंटली गिरावट एंड लोअर सर्किट देखने को मिला। देखिए इतना ज़्यादा लोअर सर्किट लगा, मतलब पूरा पाँच दिन लोअर सर्किट लगने के बाद भी देखिए RSI इंडेक्स देखिए नॉर्मल जोन पे चल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हाईली वैल्यूएशन पे चल रहा था आप सोच सकते हो। मतलब अचानक से शेयर प्राइस कुछ नहीं 90 रुपये से सीधा सीधा 160 रुपये पर पहुँच गया था। इसे इनलॉजिकल गेन बोला जाता है, मतलब इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आ गया, कंपनी का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग हो गया या कोई बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये इलॉजिकल गेनिंग के पीछे ये जो कारण था वो हम सभी को मालूम है कि जो ऑपरेटर्स है ब्रोकर्स है ये लोग पैसे को पुश कर रहा था, पंप कर रहा था, जिसके कारण हमें ये इलॉजिकल गेन देखने को मिला था। फिलहाल आप अगर अदानी पावर्स के शेयर होल्डर हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप होल्ड करें। अभी शेयर सेल तो करने की यहाँ पर जगह भी नहीं है, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट चल रहा है, बट ये लोअर सर्किट एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगा और एक या दो ट्रेडिंग डेज बाद, क्योंकि कोई भी शेयर हमेशा के लिए ओवरसोल्ड जोन पर नहीं रह सकता। उसके बाद हम बात करेंगे ATGL यानी अदानी टोटल गैस, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है पावर की तरह कि लगातार देखिए
पाँच दिन की हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। लगातार पाँच दिन लोअर सर्किट लगने के बाद भी देखिए शेयर प्राइस RSI इंडेक्स देखिए 37 के आसपास चल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हाई लेवलेशन पे चल रहा था। इसके ऊपर भी मेरा सेम राय दूंगा आपको कि आप होल्ड करें, चाहे कोई भी लेवल पे आपने शेयर खरीदा, क्योंकि शेयर अभी ओवरसोल्ड जोन के आसपास पहुंच चुका है तो ज़्यादा टाइम ओवरसोल्ड जोन पे नहीं रह सकता। उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही इलॉजिकल गेनिंग कर रहा था, क्योंकि सीधा सीधा 150 रुपये से शेयर प्राइस पहुँच गया था 1600 रुपये के ऊपर। देखिए लगातार पाँच दिन यहाँ पे लोअर सर्किट लगने के बाद भी ये शेयर देखिए वीक जोन पे चल रहा है, बट फिलहाल अभी ओवरसोल्ड जोन पे नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी आपको होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी जो सिचुएशन है ये पलट सकते हैं। तो फिलहाल अभी दो शेयर के अंदर अदानी पोर्ट एंड एंटरप्राइज के अंदर पलट चुका है। फिलहाल मैं आपको बोलूँगा कि अदानी पोर्ट के अंदर अगर आप निवेश करके बैठे हैं, चाहे कोई भी लेवल पे, आप यहाँ पे आँख बंद करके होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कम्प्लीटली मोनोपोली है, स्पेशली पोर्ट या एयरपोर्ट वगैरह में। यहाँ पे अदर कोई भी ये सेक्टर में पर्टिकुलर कोई भी शेयर लिस्टेड नहीं है फिलहाल। तो इसी कारण मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर आप होल्ड करें, बाकी शेयर के अंदर भी होल्ड करें भाई। यहाँ पे कोई भी शेयर अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो इम्पैक्ट चल रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट अदानी ग्रुप के ऊपर वो काफ़ी गहरा होने वाला है। और शेयर प्राइस दोस्तों अभी एक बार में नहीं गिरेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा। इसलिए आप अगर शेयर होल्डर है तो चुपचाप अब देखते जाइए, चाहे कोई भी प्राइस में आपने शेयर खरीदा, और जब आप प्रॉफिट में आ जाओगे तब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।